और जो आप इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हो वो हमारा सामाजिक नेटवर्किंग। आपका जो हमारा पत्र है वो है सामाजिक नेटवर्किंग। सामाजिक नेटवर्किंग होता क्या है? सामाजिक नेटवर्किंग यानी कि सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग यानी कि ऑनलाइन सहभागिता को सामाजिक नेटवर्किंग के रूप में माना जाता है। जो ऑनलाइन जो हमारी सहभागिता होती है, जो ऑनलाइन हम एक दूसरे के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे से हमारी समस्या से रूबरू होते हैं, उनको हम ऑनलाइन सहभागिता यानी कि सामाजिक नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है। ऑनलाइन सहभागिता या सामाजिक जो नेटवर्किंग होती है, इसका संबंध मानव द्वारा नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करने को कहा जाता है। यह संबंध उनके वास्तविक जीवन से संबंधित क्रियाओं से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी अपने साथी से फेसबुक पर फेसबुक के माध्यम से शिक्षा संबंधी भारतीय संस्कृति के बारे में संबंधी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि विद्यार्थी फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी के भी माध्यम से सोशल साइट्स के माध्यम से वो भारतीय संस्कृति या परिवार भारतीय परिवार के बारे में अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहा है, तो वो हमारी ऑनलाइन सहभागिता कहलाती है, यानी कि सामाजिक नेटवर्किंग कहलाती है। यानी आवश्यक सूचनाओं का या अपने आचार विचारों का नेटवर्क की सहायता से उनका आदान प्रदान करना ही हमारा सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। अब क्या है, जैसे कि अनेक अवसरों पर सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से व्यक्ति दूसरों को ऐसे विषय दे सकता है जिस पर व्यक्ति विचार करे तथा अपने विचार प्रस्तुत करे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा के साथ भूमिका, भ्रष्टाचार का उन्मूलन आदि। अब जैसे कि हमारे जो वेबिनार हो रहे हैं, जो वेबिनार्स होते हैं उसमें भी होता है कि विभिन्न व्यक्ति किसी एक टॉपिक पर एक मुख्य बिंदु होता है उसके विषय होते हैं, उस विषय पर अपने अपने विचार विमर्श करते हैं, जिससे दूर बैठे व्यक्ति इजीली आराम से वहाँ बैठकर सुनते हैं, तो वो हमारी सामाजिक नेटवर्किंग कहलाती है यानी सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। वर्तमान समय में प्रमुख रूप से फेसबुक है, आपका ट्विटर है, गूगल समूह आदि का प्रयोग सोशल नेटवर्किंग के रूप में किया जाता है। अब हम जो बात करेंगे सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषताओं के बारे में, यानी कि इसकी विशेषताएँ क्या क्या है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो पहली है, जो सामाजिक नेटवर्किंग की जो पहली विशेषता वो है एक यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा जो है वो है हमारा एक आधुनिक प्रक्रिया है। आधुनिक तो है, फिर है हमारा वेबसाइट आधारित है, पहले मैं आपको बता दूंगी फिर इसको समझाऊंगी। वेबसाइट आधारित है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर आधारित है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा रुचिपूर्ण प्रक्रिया, नेक्स्ट है हमारा रुचिपूर्ण प्रक्रिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है तकनीकी आधारित, नेक्स्ट है हमारा तकनीकी आधारित के बाद में है सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया, सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया। पहला जो हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्यों है ये वैज्ञानिक प्रक्रिया? क्योंकि इसमें जो सामाजिक नेटवर्किंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को इसलिए स्वीकार किया गया है, जैसे कि मोबाइल में मैसेज भेजकर सामाजिक नेटवर्किंग में सम्मिलित होना, कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भेजना, वीडियो चैट करना, एक सामाजिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाना चाहता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक प्रक्रिया है क्योंकि प्राचीन समय में ये प्रक्रिया नहीं थी, ये अभी वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए ये आज के युग का आविष्कार है, इसलिए इसे आधुनिक प्रक्रिया कहा जाता है। वेबसाइट आधारित क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट दी जाती है जो मैंने आपको बताई थी, नौकरी से संबंधित, रिक्रूटमेंट से संबंधित होती है, और कुछ हमारी एजुकेशनल साइट्स होती है जिससे हम जानकारी लेते हैं, इसलिए इसमें सारी जो जानकारी होती है वो वेबसाइट्स के माध्यम से ली जाती है। कंप्यूटर आधारित क्योंकि इसके अंदर में कंप्यूटर मोबाइल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित है। नेक्स्ट जो है रुचिपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि विद्यार्थी जब कंप्यूटर से पढ़ता है तो ऐसी चीज़ें वो पढ़ता है तो उसके सामने डायग्राम्स आ जाते हैं, पूरे वीडियो आ जाता है, तो उसे देख के उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और
पढ़ाई की तरफ जिज्ञासु प्रवृत्ति आती है और वही ही रुचि के साथ में वो ज्ञान अर्जन की ओर बढ़ता है। तकनीक के आधारित है, जैसा कि आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का है, तो तकनीकी से आधारित ये प्रक्रिया है। सामाजिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है सबको जहाँ पर सामाजिक शिक्षा का आदान प्रदान ईजिली होता है। सामाजिक शिक्षा की जानकारी उन्हें वैश्विक स्तर की और सामाजिक स्तर की जानकारी उन्हें ईजिली मिल जाती है। तो ये था हमारा सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषता। इसके बाद का बाकी आगे की क्लास में। थैंक यू।